अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि टाइम के कंसेप्ट को बताएगा। तो अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 105 पे और देखते हैं समरी ऑफ टाइम। यहाँ पे नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड एंड यूज द फॉलोइंग वर्ड्स: एनालॉग क्लॉक, हैंड्स ऑफ एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, डे, वीक, मंथ, ईयर, सोलर मंथ एंड इस्लामिक मंथ। हम इन तमाम टर्म्स से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं और अब देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को। मैच द टाइम इन द डिजिटल क्लॉक विद द टाइम ऑफ एनालॉग क्लॉक। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एनालॉग क्लॉक पे 8 o'clock हो रहे हैं और डिजिटल क्लॉक के नंबर 3 के ऊपर 8 o'clock का टाइम शो हो रहा है। तो हम नंबर 1 ऑफ एनालॉग क्लॉक को नंबर 3 ऑफ डिजिटल क्लॉक के साथ मैच करेंगे और इसी तरह से हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे और मैच करेंगे। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 106 पे। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे। तो आप सब जानते हैं कि वेडनेसडे से पहले ट्यूजडे आता है, विच इज द 3rd मंथ ऑफ द सोलर ईयर। तो आप सब लोग जानते हैं कि मार्च इज द 3rd मंथ ऑफ द सोलर ईयर, विच इज द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। हम सबको मालूम है कि ज़िलहज इज द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। इफ टुडे इज संडे, विच डे विल बी टुमारो। संडे के बाद हमेशा मंडे आता है, तो मंडे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द टाइम ऑफ द फॉलोइंग इन योर डेली रूटीन? Time to wake up in the morning, school starting time, school closing time, time to reach back home, time to take lunch. तो आप लोगों ने इसको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली फिल आउट करना है। राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी राइट डाउन करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।